पहाड़ों में जो है मैल जो है वो कैसे खेतों में जिया जाता है फसलों को। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अबाउट गद्दी लाइफ। तो स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल अबाउट गद्दी लाइफ में। मैं हूं आपका दोस्त भाद्र भारद्वाज। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि पहाड़ों में जो हर जगह अपना अपना सिस्टम होता है काम करने का, तरीका तौर तरीके जो है अपने अपने होते हैं। ऐसा ही तरीके है पहाड़ों में एक और होता है जो मैल जो फसलों को दिया जाता है, खासकर जो है गौ का मैल या जो भी है वो कैसे हम किसी चीज़ के द्वारा कैसे मैल जो है फसलों में देते। जब सारे जो काम होते हैं पहाड़ों में ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो है फसल बोने के बाद जो है जो काम होता है वो मैल का रह जाता है। सब सारा काम निपटा के सभी लोग जो है खेतों में जुड़ जाते हैं, फसल तैयार होने लगती है धीरे धीरे, तो मैल जो है वो फेंका जाता है। तो वो जो मैल है वो कैसे फेंकते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों वीडियो आज की वीडियो कीजिए कैसे हम खेतों में जो है मैल फेंकते हैं और कैसे जो है खेतों में मैल जो है यूज़ किया जाता है, कैसे फसलों को मैल जो है दिया जाता है। हर एक जगह जो है अपने अपने तौर तरीके होते हैं। आप इसको देख लो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम किरडू बोलते हैं, करंडू। पहले इस तरह की जो है लकड़ की हुआ करती थी, बाँस की वगैरह की या कुछ और चीज़ की, लेकिन आजकल जो है प्लास्टिक कि ये बड़ी अच्छी सी चल रही हैं और इनकी एज भी आई थिंक ठीक ही होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करें लाइक कमेंट और शेयर। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।